हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के कुछ क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जो कि खास तौर पर रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हें भी कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम क्षेत्रफल चैप्टर को कवर कर चुके हैं और साथ ही साथ अब हम आयतन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पिघलाकर एक तार बनाई गई है जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है, इस तार की लंबाई क्या होगी। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। यदि आपको इसका बेसिक या फिर मैं आपसे कह सकता हूं उसका कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। देखिए क्या कह रहा है सवाल में। एक गोला है, मैं एक गोला बना देता हूं, ठीक है। ये मैं आपके लिए रफ में बना रहा हूं दोस्तों, देखने में तो व्रत लग रहा है लेकिन आप इसको गोला समझिएगा, ठीक है ना। एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी, देखिए 3 सेंटीमीटर वाले तांबे के एक गोले को पिघलाकर, देखिए इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है। त्रिज्या क्या होगी, इस केंद्र से लेकर यहां तक परिधि तक की दूरी। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 3 सेंटीमीटर। इसकी आर कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या कहा, इस गोले को पिघलाकर एक तार बनाई गई। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तार कैसी होगी, तार होगी बेलनाकार। देखिए मैं ऐसे बनाता हूं तार को, मैं ऐसे भी बना सकता हूं लंबे में, इस तरह भी बना सकता हूं। तो मैं इस तरह तार को बना देता हूं, देखिए ये तार है, क्या है ये तार, ठीक है ना। गोले को पिघला क्या बनाया गया, तार, यानी कि बात कर रहा है ये बेलन की। आप इसे इस तरह भी बना सकते हैं दोस्तों तार को, ठीक है ना। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह बनाया, ठीक है ना। गोले को पिघलाकर तार बनाई गई, तार का मतलब क्या हुआ, एक बेलन बनाया गया है जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर। देखिए ये नीचे एक छोटा सा वृत्त बनेगा एक तरह से, अगर बेलन देखेंगे हम, व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी। इस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, ब्यास की आधी, इसका आधा करेंगे कितना आएगा, 0.1, ठीक है। और कह रहा है इस तार की लंबाई क्या होगी, इस तार की लंबाई यानी कि h, आप लंबाई कह लीजिए या h कह लीजिए, हमको h निकालनी है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, गोले से ही तो बेलन को बनाया जा रहा है, गोले से ही बेलन को बनाया जा रहा है, यानी कि गोले से तार को बनाया जा रहा है। इस गोले की त्रिज्या दे रखी आपको और इस बेलन का यानी कि तार का व्यास दे रखा था, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, तो मैंने देखिए कर दी। अब h पूछ रहा है इसकी, तो मैंने क्या कहा, गोले से ही तार बन रहा है यानी कि गोले से बेलन बन रहा है, तो हम इन दोनों के आयतन को बराबर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखिए तो मैं लिख देता हूं, पहले लिखता हूं मैं बेलन का आयतन, किसी को भी पहले लिख लीजिए आप, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर में गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। हमारे पास सारी वैल्यू हम रख सकते हैं और एच को निकाल भी सकते हैं। देखिए अब हम वैल्यू रखते हैं और यहाँ वैल्यू रखने से पहले हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, कट गया ना, आर स्क्वायर किसकी, बेलन की, बेलन की आर कितनी है, 0.1, तो रखेंगे हम यहाँ पर बेलन की आर 0.1। और क्या है, स्क्वायर है यानी कि इस पर और होल स्क्वायर चढ़ा देंगे इन टू एच, बिल की एच दिन रखिए आपको नहीं है ना, तो निकाल लिया हमको, एच लिख दिया मैंने बराबर 4/3। गोले का आयतन है ना, तो गोले की बात चल रही है, गोले की आर, गोले की आर कितनी है, 3 सेंटीमीटर गुणे में 3 का क्यू। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इसे इस पॉइंट को यदि मैं हटाऊंगा एक अंक के बाद है तो कितनी 1 0 आ जाएगी यानी कि 10 आ जाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को हटाऊंगा एक अंक के बाद तो 10 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए स्क्वायर लगा है तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 और 10 का कितना, 100 इंटू में एच बराबर 4/3 3 का क्यू यानी कि 3 का 3 बार गुणा करेंगे, कैसे, 3 3 9 9 27 यह आएगा 27। छोटा कर लेते हैं, देखिए 3 के पार 27 कटेगा 9 बार, देखिए 9 चौके कितना हो जाएगा, 36, 9 चौके कितने, 36, और इस 100 का क्रॉस गुणा यहाँ होगा 36 में, तो एच का मान कितना आ जाएगा, एच का मान आएगा 3600, ठीक है ना, सेंटीमीटर में।
यदि दोस्तों मैंने यहाँ ऑप्शन इसलिए नहीं लिखे क्योंकि सवाल मैं कहाँ सॉल्व करता, ठीक है ना, इसलिए मैंने ऑप्शन यहाँ लिख दिए। देखिए आंसर आ रहा है मीटर में, कैसा आ रहा आंसर मीटर में, ये सेंटीमीटर में आया है क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर को मीटर बदल क्या करते हैं 100 से भाग, तो 3600 में मैं 100 से भाग दूंगा तो मीटर बदल जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो आंसर कितना आएगा 36 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस कितने गोले पिघला जाएं, ध्यान सुनिएगा, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस कितने गोले पिघला जाएं जिनसे एक ऐसा ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई 54 हो। सेम वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपको आयतन बराबर करना है। आप किस तरह करेंगे यहां देखिए, जरा ध्यान सुनिएगा, ये एक गोला है जिसका व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर। देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी कहलाती है व्यास, कितना है व्यास 3 सेंटीमीटर, इसका व्यास दे रखा आपको 3 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो सकती है, आधी कर दीजिए, त्रिज्या कितनी हुई गोले की 3 का आधा, ठीक है। अब देखिए 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस कितने गोले पिघला जाए, तो मैं कहता हूं गुणे एन गोले पिघला दो साहब, ठीक है ना, कितने गोलों को पिघलाएं, ठीक है ना, तो मैं कहता हूं एन गोलों को पिघलाओ, एन अब कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, 24, 28, तो मतलब गोलों को पिघला क्या बना रहा है, वो एक बेलन बना रहा है, बराबर में इससे क्या बनेगा, एक बेलन बनेगा, बेलन देखिए ये बना दिया मैंने बेलन, और बेलन में उसने कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, एस इस कितने गोले पिघलाए, ध्यान सुनिएगा कितने गोले पिघलाए, मैंने कहा एन पिघला दो, एन की जगह कुछ भी आ सकता है 10, 15, 20, यानी कि 20 गोले पिघला कर या 25 या 24 या 28 गोले पिघला कर एक बेलन बनाना है, कैसा बेलन बनाना है जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर हो। देखिए ये दूरी ये कहलाएगी व्यास, ठीक है, यदि व्यास इसका 4 है तो आर कितनी होगी, व्यास की आधी 2, और ऊंचाई कितनी है 54, ये भी सेंटीमीटर में है, ऊंचाई कितनी है 54 बेलन की, तो क्या हो रहा है, गोले से पिघलाकर बेलन बन रहा है, गोले से पिघलाकर कितने गोले पिघला रहे हैं वो हमको निकालना है एन, गोले से पिघलाकर गोले को पिघलाकर बेलन बन रहा है, तो दोस्तों गोले से ही तो बेलन बन रहा है, तो इनके आयतन हम बराबर कर सकते हैं, देखिए करते हैं, तो यहां लिखते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन, और यहां क्या एन का गुणा है, ठीक है, यहां की संख्या निकालनी है हमें, बराबर में बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, देखिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ * में एन, क्योंकि हमें गोले तो पिघलाने हैं, कितने एन बराबर में, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। यहां अब हम रखेंगे वैल्यू जो भी हमको दे रखी है, देखिए छोटा कर सकते हैं, कर सकते हैं, देखिए पाई से पाई कैंसिल, अब देखिए 4, दोस्तों मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आगे ये जाएगा नहीं, देखिए 4/3 आर, गोले की आर कितनी है 3/2, तो रख दीजिए 3/2 का होल क्यू, इसका क्यू कर दीजिए इनटू में एन, बराबर आर किसकी, बेलन की आर, बेलन की आर कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर इनटू एच, एच कितना देखा है 54, आगे सॉल्व करते हैं, देखिए 4/3 को ऐसे रख देंगे हम, क्यू लगा है ना, यानी कि 3 का क्यू / 2 का क्यू करेंगे, देखिए 3 का क्यू कितना होगा 27 और 2 का 8, बराबर इंटू में एन, 2 का क्यू कितना 2 का स्क्वायर कितना 4 × 54, सॉल्व करते हैं, देखिए 27 × 2 = 54, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं 4 × 2 = 8, ठीक है दोस्तों 4 × 2 = 8, अब देखिए 3 × 2 = कितना हो गया, 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = कितना हो गया 8, इस 6 का गुणा हम क्रॉस गुणा यहाँ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो 6 × 8 = 48, तो एन का मान कितना आएगा 48, यानी कि कितने गोले पिघलाएंगे हम 48, ऑप्शन डी, किस तरह करा मैंने देखिए 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8 और 6 का गुणा 8 में कर दिया 48 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, यहां मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन लंबा नहीं है, इस क्वेश्चन में मैं आपको सिखाना चाहता हूं, यहां आपको घन की तीनों चीजों के बारे में बता दूंगा मैं, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, विकर्ण। देखिए क्या कह रहा है, एक घन की प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण याद कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एक ही क्वेश्चन से मैं आपको तीनों चीजें निकाल के दिखाऊंगा। देखिए ये है घन, मैं एक घन बना देता हूं, देखिए समझाने के लिए बना रहा हूं दोस्तों, ऐसा बनाऊंगा तो आपको लगेगा वर्ग बना दिया सर ने, तो मैं इसको घन बना देता हूं, ठीक है। देखिए थोड़ा ऊपर नीचे होंगी इसकी लाइनें, लेकिन समझने के लिए आप समझ लीजिए। देखिए घन, इस घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ध्यान रखिएगा, सारी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, और इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए से। क्या कहते हैं भुजा को, ए, ठीक है ना, भुजा को क्या कहते हैं, ए, याद रखिएगा, घन की सभी भुजाएं समान होती हैं, और भुजा को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको घन की प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है, ए कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर, में तो सेंटीमीटर ले देता हूं मैं, ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है, 16। अब देखिए क्या पूछा उसने, घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं घन का आयतन, देखिए पहला क्वेश्चन बोला उसने घन का आयतन निकालिए, तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू, यानी कि भुजा का 3 बार गुणा, ठीक है ना। अब देखिए ए का मान कितना, 16 रख दीजिए, 3 बार रख दिए लीजिए, 16 गुणा 16 हम करेंगे 256, और 256 में करेंगे हम 16 गुणा। और यदि आपको याद हो दोस्तों, मैंने आपसे बार बार, मैं आपसे कहता हूं कि एक से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, यानी कि घन याद होना चाहिए अच्छे से, और एक से लेकर 30 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। तो देखिए 16 क्यूब कितना होता है, 40 96। अब आपने कहा सर आपने डायरेक्ट लिख दिया, देखिए आप जैसे जैसे मैथ को लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये सब चीजें याद हो जाएंगी, याद रखिएगा। एग्जाम में यदि आप 16 का गुणा 3 बार करेंगे तो बहुत लंबा समय लगता है दोस्तों, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 20 तक घन आप डेली देखिए, डेली के 2 याद कीजिए, आपको सारे याद हो जाएंगे, और 1 से लेकर 30 तक के वर्ग अच्छे से याद होने चाहिए। तो 16 का क्यूब कितना होता है, 40 96। तो घन का आयतन आ गया 40 96 सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये होता है 6a स्क्वायर। तो देखिए रखते हैं मान, a का मान रख दीजिए यहाँ पर, देखिए 6a स्क्वायर, a का मान कितना है, 16, और स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब कि 2 बार गुणा कर दो, ठीक है ना। अब देखिए 16 गुणा 16 में करेंगे कितना आएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, गुणे में क्या है 6, तो गुणा कर लीजिए। अब देखिए 6 6 36, हाथ से लगे 3, 6 5 30, 33, हाथ से लगे 3, 6 2 12 और 15, कितना आ गया 1536 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं आप क्या कह रहा है, फिर कह रहा है विकर्ण भी ज्ञात करना है। तो देखिए घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है a√3, यानी कि भुजा गुणे √3। तो केवल आपको a का मान रखना है, रख दीजिए a का मान कितना है, 16, 16√3। तो देखिए आपका घन का आयतन भी निकल कर आ गया, ठीक है ना, फिर घन का संपूर्ण पृष्ठ भी सीख लिया हमने इस सवाल में, और घन का विकर्ण भी सीख लिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और फिर मैं आपसे दोबारा कहता हूँ, एग्जाम से पहले 1 से लेकर 20 तक के घन अच्छे से याद कीजिए, और 1 से लेकर 30 तक के वर्ग आपको ये याद होना चाहिए, जिससे कि आपको सवाल करने में समय आप बचा सके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RRC दिल्ली ग्रुप डी 2013 में पूछा गया है, और ये इस टाइप का, यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन SSC वाले बच्चों के लिए और रेलवे NTPC के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए क्या कह रहा है, सवाल देखने में लंबा जरूर है दोस्तों, लेकिन हम इसे आराम से समझेंगे, और मैं इसको आपको इस तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से, कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आए। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी 20 रुपए प्रति किलो के 26 किलो चावल को, ये लाइन यही खत्म कर दीजिए, को 36 रुपए प्रति किलो के एक दूसरी किस्म के 30 किलो चावल के साथ मिला देता है, और मिश्रित चावल को 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, देखिए क्या हुआ, एक व्यापारी था जिसने 26 किलो चावल खरीदे और 30 किलो चावल खरीदे और उन्हें मिला दिया। देखिए एक व्यापारी ने क्या किया,
36 किलो चावल खरीदे और फिर 30 किलो चावल, दो तरह के चावल है ना, पहला दूसरा। दोस्तों जब खरीदेगा तभी तो बेचेगा, देखिए यहाँ बेच रहा है 30 के भाव से बेच रहा है, जब खरीद के लाएगा तभी तो बेचेगा। देखिए एक व्यापारी ने 26 किलो चावल और 30 किलो चावल खरीदे, किस रेट से खरीदे, देखिए कैसे खरीदे। 26 किलो चावल कैसे खरीदा उसने, 20 रुपये प्रति किलो। इसका मतलब क्या है, 1 किलो कितने के, 20 रुपये के, 1 किलो कितने के, 20 रुपये के। तो मैं लिख देता हूँ 20 रुपये प्रति किलोग्राम से। और दूसरे कैसे खरीदे, 30 किलो वाले 36 रुपये प्रति किलो के दर से दूसरी किस्म के 30 किलो खरीदे। तो यानी कि 30 किलो के क्या रेट से लिए उसने, 36 रुपये प्रति किलोग्राम से। तो हम देखिए हम कह सकते हैं कि इसका टोटल मतलब यार ये कितने खरीदे, देखिए ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है। देखिए 1 किलो कितने के, 20 रुपये के, तो 26 किलो कितने के, गुणा कर दीजिए 26 दूनी 52, यानी कि 520 रुपये के उसने पहली किस्म के चावल लिए। दूसरे देखिए 36 रुपये प्रति किलो, यानी कि 1 किलो कितने के, 36 रुपये के, तो 30 किलो कितने के, गुणा कर दीजिए। देखो गुणा करेंगे 0 तो पैसे ही आएगा, 3 6 18, 6 यहां से लगी, 3 3 10, यानी कि 1060 रुपये के। ठीक है दोस्तों, 1060 रुपये के। आगे देखिए क्या कह रहा है, खरीद लिए, अब इन्हें मिला दिया, क्या इन्हें मिला दिया, तो मिलाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, इनको मिला दो, मिला देते हैं। देखिए ये हो गया आपका 6 56 किलो हो गए, कितने हो गए ये टोटल, कितने 56 किलो क्रय किए हैं, कितने के जोड़ दो, 0 8 दोस्तों यहां थोड़ी मिस्टेक है, देखिए 0 3 6 18, ये 8 आएगा, कितना आएगा 8, देखिए 0, अब ठीक है 8 और 2 10, हाँ से लगी 1, ये हो गया 6 16, यानी कि 56 किलोग्राम चावल टोटल इसने मिला दिए ना, मिश्रित कर दिए 56 किलोग्राम चावल कितने के लिए, 1600 रुपये के लिए, कितने के, 1600। अब क्या कर रहा है, मिश्रित चावल को 30 रुपये प्रति किलो हिसाब से बेचता है, यानी कि 56 किलोग्राम चावल को, 56 किलोग्राम चावल को बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, किस तरह बेचता है वो, 30 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलो कितने के, 30 रुपये के, 1 किलो कितने के बेच रहा है, 30 रुपये के, तो 56 किलो कितने बेचेगा, गुणा कर दीजिए 0 तो आएगा, ठीक है 3 6 18, हाँ से लगी 1, 3 5 15 16, यानी कितने के बेचे, 1680 रुपये के। ध्यान से समझिएगा, 56 किलोग्राम चावल कितने खरीदे, 1600 के, और 56 किलोग्राम बेचे कितने के, 1680 के, क्योंकि 30 के भाव से बेच रहा है ना, 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, 1 किलो 30 के, 56 किलो कितने, गुणा कर दीजिए, ये आ गया। अब उसने कहा उसका लाभ प्रतिशत बताइए, पक्का है दोस्तों कि यहाँ लाभ ही होगा, देखिए क्रय मूल्य खरीदा कितने का, 1600 का, और बेचा कितना, 1680 का, तो लाभ कितना हो रहा है उसको, लाभ हो रहा है दोस्तों, लाभ अंतर कर दीजिए, विक्रय में से क्रय घटेगा तो लाभ कितना आएगा, 80 रुपये, ये तो आया लाभ, लेकिन हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। याद रखिएगा लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। देखिए मैं लिख देता हूं, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा ये निकलता है क्रय मूल्य पर, और इनटू में क्या रहता है, 100%, ठीक है ना, ये बेसिक सी चीज है दोस्तों। लाभ हो या हानि हो, लाभ हानि प्रतिशत कहाँ निकलते हैं, क्रय मूल्य पर, तो लाभ कितने का हो रहा, 80 का, और मैंने क्या बोला, क्रय मूल्य पर निकलता है, तो क्रय मूल्य कितना है इसका, 1600, रख दीजिए 1600 इंटू में 100%, देखिए 0 से 0 0 से 0, 16 5 80, यानी कि 5% का लाभ होगा उसे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां मैं लिखना भूल गया कि ये किस ग्रुप डी में पूछा गया था, लेकिन जब मैं इस सवाल को नोट कर रहा था तो ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 6 मोबाइल फोन की कीमत 51,000 रुपये है तो 93,500 रुपये में कितने मोबाइल क्रय किए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इजी क्वेश्चन है और ये ग्रुप डी है, पूछा गया है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी इस तरह का सवाल आपको देखने को मिले। देखिए 6 मोबाइल की कीमत कितनी है, 6 मोबाइल की कीमत, यानी कि 6 मोबाइल कितने खरीदे गए, 51,000 रुपये के। यदि मैं आपसे कहूं कि 1 मोबाइल कीमत कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, 6 का इसमें भाग दे देंगे, तो आएगी 1 मोबाइल की कीमत, ठीक है ना, 51,000 में
आप 6 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू जाएगी, कैसे आएगी देखिए, 6 8 48, 3 बचा 6 5 30 और 2 0 बचेंगे, ठीक है। तो एक मोबाइल कितने का है, एक मोबाइल है दोस्तों, एक मोबाइल कितने का है, 8500 का। अब उसने क्या कहा कि 93 93 हजार, या फिर आप कह सकते हैं 93 500 रुपये में कितने मोबाइल लेंगे, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपको 93 500 रुपये में कितने फोन आएंगे, जब एक फोन कितने का है 85, इतने में इतने रुपए में कितने खरीद सकते हैं, तो इसका भाग दे दीजिए। सिंपल सा हम भाग देते हैं देखिए, ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक आम 10 रुपए का है तो 100 रुपए में कितने आम आएंगे, यहाँ तो आप हाल बता देंगे कि भैया भाग दे दो, लेकिन यहाँ क्यों नहीं समझ आ रहा, ये भी तो वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखिए एक आम 10 रुपए का, 100 रुपए में कितने आम आएंगे, 10 का भाग देंगे तो कितने आम आएंगे, 10 आम तो आएंगे। इसी प्रकार देखिए एक मोबाइल कितने का, 8500 का, तो 93 हजार में कितने मोबाइल आएंगे, तो हम इसका इसमें भाग दे देंगे। देखिए भाग देते हैं, काटते हैं 0 से 0 0 से 0, 17 5 85, यहाँ भी देखिए 17 5 85, 8 बचा 17 5 फिर 85 55, तो 55 को 5 से काट सकते हैं, काट सकते हैं कितनी बार, 11 बार, यानी कि कितने मोबाइल खरीद सकते हैं हम, ऑप्शन बी 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी भुवनेश्वर ग्रुप डी 2007 में पूछा भी गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/2 भाग 1/2 का 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस 1/2 का 1/2 क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी ये सवाल आए, सिंप्लीफिकेशन आप कह सकते हैं, इसे भिन्न भी आप कह सकते हैं, भिन्न का सवाल भी ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में आ सकता है, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले बॉड मास का नियम, BOD, हमेशा आपको लिख के दिखाता हूं, कोई अगर नया बच्चा है तो उसे पता होना चाहिए। देखिए बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी कि का, डी से डिवाइड यानी कि भाग, ठीक है ना, ये हो गया ब्रैकेट, ये हो गया का, डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, फिर ए से एड यानी कि जोड़, और एस से सब्ट्रैक्ट यानी घटाना, इसी क्रम से चलिए आप हमेशा। तो देखिए क्या यहाँ पर ब्रैकेट है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर पर आता है का, हाँ का है, तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी हम का को हटाते हैं दोस्तों तो यहाँ आ जाता है गुणा, क्या कह रहा मैं, जब भी हम का को हटाते हैं तो क्या आ जाता है गुणा, तो हम गुणा कर लेंगे। देखिए 1/2 भागे गुणा करिए, 1 का 1 में 1 आएगा, 2 दूनी 4 बटे 1/2 प्लस का हटाया गुणा आएगा, 1 का 1 में 1 2 दूनी 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए आप सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट है नहीं है, का है कहीं पर नहीं है, भाग है हाँ भाग है, तो हम भाग सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए गुणा देखते हैं, गुणा कहीं नहीं है, फिर प्लस है, तो देखिए हम भाग देते हैं दोस्तों। जब इसका इसमें भाग देंगे तो भाग के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे का निशान लगा सकते हैं, लेकिन ये पलट जाएगा। देखिए यदि हम भाग के निशान को हटाएं यानी कि भाग दें, तो गुणे का निशान लगा सकते हैं और इसको पलट के लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये पलटेगा तो गुणे में आ जाएगा, ठीक है ना, इतना तो हमको बेसिक पता ही है। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4, देखिए 2 दूनी 4 और 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4 एक बार कटा, 1 का इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। देखिए सॉल्व कीजिए, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, ठीक है ना, ये कितना हो गया, 3/4, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, इसे हम छोटा भी कर सकते हैं, या देखिए इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, ठीक है, कैसे लिखेंगे, 4/2 गुणे में, जब इसको इसको गुणे में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4/3, ठीक है ना। देखिए इसे हम काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, देखिए ये कट गया 2 बार, कितना आ जाएगा, ये 4 दूनी 8/3, 3 का 8 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा 3/2, तो इसका राइट आंसर कितना रहेगा, ऑप्शन ए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है, उम्मीद करता हूं आपको सभी सवाल समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।